फ्लेवर की तो आपने कमी नहीं। गाइस गुड इवनिंग, राम राम से सभी को। कैसे हो दोस्तों आप? तो गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ, ये जगह है जेल रोड, और ये जो परपोटर की दीवार देख रहे हो ये बीकानेर को कवर करती हुई दीवार है, और रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर क्या भैया बहुत तरह की शरबत बेच रहे हैं, तो अभी आज अपन इनकी शरबत ट्राई करेंगे, देखते हैं कि कौन सी शरबत सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज को, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये भैया की ठेली, जय गणेश, रबड़ी छत्ते, फलूदा वाला एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेवर्स देख रहे हो आप, कितने तरह के फ्लेवर। भैया कितने तरह की शरबत होगी आपके पास? 50। और सबसे ज़्यादा फेमस लोग क्या प्रेफर करते हैं यहाँ पे? हैं, गुलकंद और गुलाब। केसर, गुलकंद और गुलाब, सभी गिलास में डालते हैं। कोई सा भी लो आप, ये तीनों चीज़ डालते हो? ये सबसे पहले ये डालते हैं, तो उसके बाद अलग अलग फ्लेवर चलते रहते हैं। अच्छा, तो आज आप हमें कौन सी ट्राई कराने वाले हो? फिर मैं आपको पहले ही बीकानेर का फेमस पहला शरबत। तो आप पहला शरबत रहता है? अच्छा अच्छा, कब से लगा रहे हो आप यहाँ पर? 27 साल से काम कर रहा हूँ। 27 साल से बीकानेर में कर रहे हो कहीं और? अच्छा, रोड पे मेरा एक ही सीजन हुआ। ओके ओके, तो दूसरा गेट करते थे। दूसरा अब यही लगाओगे आप? सर यही परमानेंट, और ये भी दाल पकौड़ा टमाटर सूप। अच्छा, ये भी आपकी है? तो चलो पहले की शरबत बनाओ, कैसे बनती है? तो कुल्लड़ में बनाते हैं भैया शरबत, बर्फ को जो है हाथ से तोड़ रहे हैं। इसके बाद इसमें दूसरी बर्फ कर रहे हैं। देन आफ्टर, ये क्या है? बेला। अच्छा, बेला है? बेला, बेला का शरबत। एक्चुअल में बनती किससे है? चीनी और फ्लेवर। अच्छा, चीनी और फ्लेवर ऐड करते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद इसमें पानी एंड देन मिक्स कर देते हैं। कितने रुपए की होती है? 1 घंटे तक मुँह से एक। अच्छा, इसकी 1 घंटे तक मुँह से वो स्मेल नहीं जाएगी? अच्छा 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 अच्छा। तो गाइस ट्राई करते हैं बेला की शरबत। अगर आपका मीठा खाने का मन हो तो बेला की शरबत आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मज़ा आ गया। भैया आप यहाँ पे क्या खाना प्रेफर करते हो शरबत की दुकान पे? फलूदा। फलूदा कब से खा रहे हो आप फलूदा? ये सीजन स्टार्ट होता है, स्टार्ट। अच्छा, कैसा लगता है आप इनको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, और फलूदे के अलावा और कुछ ट्राई करते हो? नहीं, मैं ज्यादा फलूदा ही पसंद करता हूँ। फलूदा पसंद करते हो? यहाँ के सारे जो भी ये बनाते हैं, हाँ, बहुत टेस्टी हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भैया। तो गाइज इनके वो फ्लेवर्स देखो, बेला जो अपन ने पिया, बादाम, मावा, वनीला, रजनीगंधा, स्ट्रॉबेरी, इलायची, बहुत सारे फ्लेवर्स, बटर स्कॉच, पान, खस, और चॉकलेट हो गया, केसर हो गया, गुलकंद हो गया, मतलब फ्लेवर्स की कमी नहीं है, इतने सारे फ्लेवर्स है। और अपन ने ट्राई किया ये जो मुझे यहाँ, एक चीज़ और फेमस है वो है यहाँ सोडा। सोडा बहुत अलग डिफरेंट तरीके से बनता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि कैसा है। अभी हम वहीं हैं, बीकानेर की दीवार का परपोटा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है, ये फूड कॉलोनी है पूरी बकायदा। तो अभी हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं सोडा। देखिए गाइस वहाँ से आ रहा है रेलवे स्टेशन से, ये पूरी फूड कॉलोनी, पूरी फूड बहुत लंबी है, और ये बीकानेर इसके अंदर है, मेन पुराना बीकानेर। तो अभी हम आए हैं भवानी सोडा सेंटर के पास। तो भैया क्या कर रहे हो अभी आप? ये अभी सोडा बनेगा, इसलिए सोडा तैयार कर रहे हो? सोडा तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ कब से कहाँ? 15 साल हो गए मेरे को बीकानेर भवानी सोडा सेंटर से। अच्छा, बनाओ सोडा, बनाओ, कैसे बनाते हो? अच्छा, ये क्या गैस आती है? किस गैस? कौन सी गैस है इसमें? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, वो सिलेंडर लग रहा है उधर। ओके यार, ये सोडा बनाने का तरीका पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। ओके, बना यार, ऐसे कब तक घुमाता है? बस अभी होने वाला है। फिर भी कितने राउंड हो जाते हैं? 140। अच्छा, ऐसे 140 रोटेशन करने होते हैं,
जो तो गैस आ रही होती है, तो तब जाके इनका जो है वो सोडा तैयार हो सकता है। तो अभी सोडा हमारा तैयार हो गया है लगभग 140 रोटेशन के बाद। तो सोडा तैयार हो गया है। अच्छा, अरे बहुत टाइट हो गया यार, पहले बहुत सॉफ्ट था ना जब अंदर किया था, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। अच्छा, डालूँ भाई इसमें, बर्फ़ के पानी में डाल देते हैं ये। उसके बाद 65 फ्लेवर से आपके पास, तो 65 फ्लेवर कहाँ कहाँ पर है? सारे अच्छा रख रखे हैं। आप ज्यादातर कौन सा फ्लेवर दिखलाते हो? बस ज्यादातर जीरा सिर्फ चलता है, जीरा हो गया, मोहितो हो गया, उड़ी हो गया। अच्छा जीरा खिलाओ तो फिर आज। हाँ जीरा ट्राई कराओ। कितने रुपए का है जीरा वाला? 15 का सर। सारे 15 के हैं, कोई सा फ्लेवर ले लो। ओके आपको पीना है, इनको बना देना यार एक, है ना? हाँ एक बना देना। तो नमक गिरा है? नहीं नहीं सर, मसाला इसमें काला नमक नहीं है। मसाला गिरा है? ये खुद बनाते हो? सारा मसाला खुद बनाते। और ये क्या गिरा है? ये लिक्विड है जीरा का। अच्छा ये लिक्विड है जीरा का, जीरा का फ्लेवर है। ओके तो ये भी सारे खुद ही बनाते होंगे यार। देन उसके बाद एक नींबू। ओके ओके ये बरस। ओके गुड। उसके बाद सोडा। ओके ये आवाज बड़ी तगड़ी। अरे गैस निकलती होगी इसलिए आवाज करता है। ये बीकानेर का सिटी सोडा है। कौन सा सोडा है? सिटी सोडा। सिटी सोडा। ओके ओके। तो गाइस सोडा असलियत में ऐसे बनता है जो अपन बाहर से खरीदते हैं। आप ले लीजिए। ठीक। ये क्या क्या था? ये मसाला था। अरे मतलब हिलाने के बाद फूलता है? ऐसे वो बनता ही है। जीरा वाला ऐसे होता है। हर बार। वैसे मोहित को भी अपने पास। वंदन मजा आ गया। डाइजेशन अच्छा रहता है। हाँ। हेल्दी है। हाँ। गाइस मजा आ गया। अगर आप खाने के बाद ही खाते हो तो पूरा डाइजेशन। अभी ग्रेजुएशन क्या कर रखा है? अभी मैंने सोडे का पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? टेंथ। क्या एज हो गया आपकी भैया? 18 साल। तो मतलब अभी छोड़ी आपने? दो एक साल पहले? तीन साल हो गए। कोरोना से पहले छोड़ दी थी, उसके बाद मन नहीं किया पढ़ने का। तो कोरोना के बाद? अच्छा तो काम में मन लग गया था। तो ये पापा के संभालते थे, अब आपने संभाल लिया। अच्छा अच्छा। गाइस जब भी सोडा है आप यहाँ बीकानेर आए तो ये सोडा जरूर ट्राई करना, और आफ्टर फूड जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छा सोडा है। 66 फ्लेवर से जो आपको पसंद हो ना वो खा लेना। तो ये जो फनता है ना सिर्फ जीरा फ्लेवर में होता है, और मज़ा आ गया खा के। गाइस अभी मैं स्ट्रीट फूड वॉक कर रहा हूँ और देखता जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ जो यूनिक सा दिखता है, अलग सा दिखता है, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ, किसी ने सजेस्ट किया है कि यहाँ पे 60 साल पुरानी दुकान है छत्ते की, और वहाँ 60+ 60+ फ्लेवर्स हैं, तो उसको ढूंढेंगे अभी हम, देखते हैं कहाँ मिलती है। अभी मैं वॉक करते करते आ गया हूँ श्री कृष्ण छत्ते वाले के पास। इसके पास गोला है, इसके पास छत्ता है, स्पेशल छत्ता भी है, और इसके पास शरबत भी है, और इसके पास यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है, कुल्लड़ में फलूदा देते हैं, वो भी बहुत शानदार वाला। दो तरीके के फलूदे हैं, एक 60 वाला एक 80 वाला। तो अपन ट्राई करते हैं फलूदा। छत्ता अपन ट्राई कर चुके हैं, छत्ता भी इसका स्पेशल है, लेकिन फलूदा ट्राई करते हैं। तो ये है दुकान श्री कृष्ण छत्ते वाले की। और आपको बता दूँ स्टेशन यहाँ पास में ही है, सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पर। और आज अपन इनका ट्राई करने वाले हैं फलूदा। आप बेटे ये काम कब से कर रहे हो? कब से काम कर रहे हो आप? ये 2-3 महीने हो गए। मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? हैं बलून बेच रहे हैं। यहीं कहीं रहते हो आप? सोते कहाँ पे हो? घर है तुम्हारा? अभी एक मिनट रुको, इसके लिए ना एक छत्ता लगा दो आप। इसके लिए एक छत्ता लगा दो। छत्ता खाना है आपको? एक छत्ता लगा दो भैया इसके। तो अभी हम छत्ता देखेंगे भैया कैसे बनाते हैं। लाल वाला। ओके लाल वाला मतलब चॉकलेट? गुलाब। अच्छा एक कटोरी में मलाई डालनी है बड़ा। अच्छा इस तरह डंडी को चौड़ा के रखते हो, फिर ऊपर से बर्फ ली। ओके
अच्छा, इसके ऊपर और बर्फ रखती है, मतलब एक तरीके से छत्ता बना दिया आपने, है? ओके, ये गुलाब वाला खा रहे हैं तो इसलिए गुलाब डाल रहे हो। ओके, गुड गुड गुड। ये रबड़ी है? हाँ, ये प्योर बन, प्योर है भैया, प्योर दूध की। अच्छा, फिर वापस से गुलाब, और ये हमारा तैयार। हैप्पी बेटा, खुश जाओ, खाओ। अब भैया कुल्हड़ में बनाओ फलूदा। बताओ, इतनी छोटी सी लड़की, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, ये बलून बेच रही है, पढ़ते हैं, ये बलून बेच रही है, सड़कों पे डोल रही है। बनाओ, स्टार्टिंग बताओ कहाँ से कर रहे हो। ओके, कुल्हड़ ले लिया भैया ने। ये क्या लच्छे? ओके, ये येलो कलर के होते हैं आपके? कलर डालते हो या बनते ही ऐसे हैं? ऐसी केसर, अच्छा केसर डालते हैं इसमें। ओके, उसके बाद आपने रबड़ी, इसका क्या प्राइस है भैया? ये 60 और 80। अभी कौन सा बना रहे हो आप? ये 60 का। ओके, इसमें बर्फ गिरते हैं भैया। अब इसमें फ्लेवर कौन सा ऐड करते हो? ये गुलकंद का और केसर का। अच्छा, ज़्यादातर यही चलता होगा आपका। ऐसे कितने फ्लेवर होंगे आपके पास? 80। ओह माय गॉड, ये बना। अच्छा, ओके, तो आप भैया इसमें क्या ऐड करने वाले? आइसक्रीम ऐड करोगे? अच्छा, वो आइसक्रीम ऐड करता हूं। ओके, कौन सी आइसक्रीम ऐड कर रहे हो? एक वनीला और केसर रबड़ी। वनीला और केसर रबड़ी, ओके 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 ओके। ड्राई फ्रूट भी डाल रहे हो? कितना टाइम हो गया भैया काम करते हो आपको? मेरे को 40-45 साल। ग्रेट, तो 40-45 साल का हम खाएंगे रबड़ी फलूदा। रबड़ी फलूदा ही बोलते हैं इसे? स्पेशल कुल्लड़ फलूदा। स्पेशल कुल्लड़ फलूदा, ओके ओके ओके। ये इसमें रोज का सफर है। ओके, ये इसमें केवड़े का है? केवड़े का। इसके बाद चॉकलेट का है? इसके बाद चॉकलेट गिरा आपने। और ये केसर का है? और केसर। फ्लेवर की तो आपने कमी नहीं छोड़ी मेरे हिसाब से। नाउ इज रेडी। वाओ, तो गाइस हमें ट्राई करने वाले हैं स्पेशल फलूदा। ऐसा फलूदा तो शायद आपने कभी खाया हो, कभी खाने में मिलता है ये। गाइस, ऐसा फ्लेवर, ऐसा टेस्ट बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं चखा। मज़ा आ गया, मज़ा। सीरियसली ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छे गर्म किए हुए जब ये खाने को मिलता है। मुझे तो खा के ना अल्टीमेट मज़ा आ गया। आप भी जब भी करने रहा हो ना, कुछ भी, सब कुछ छोड़ देना, पर ये ना ये फलूदा जरूर ट्राई करना। इनका कुल्लड़ में मिलता है स्पेशल, बहुत शानदार है, और कहीं नहीं मिलता है। फलूदा मिलेंगे आपको बहुत सारी जगह, कोई कुल्लड़ वाला फलूदा इस तरीके से बनाया हुआ नहीं मिलेगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। कैसा लगा स्ट्रीट फूड वॉक? मस्त, मज़ा आया। देखा कितने तरीके के यहाँ फूड्स हैं और कितने तरीके की वेराइटीज़ हैं खाने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो भैया, आपको अभी क्या ले रहे हो, आप क्या खा रहे हो अभी? फ्रूट बियर। आप सबसे ज़्यादा आप क्या प्रेफर करते हो? तो फ्रूट बियर ही। फ्रूट बियर ही, बहुत टेस्टी लगती है आपको? तो श्री कृष्ण छत्ते वाले की, इनको फ्रूट बियर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कब से पीते आ रहे हो? 6 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। और भैया आपको? तो 6 महीने कंटिन्यूस। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हो क्या? नहीं, कहाँ के हो आप? नोखा से। नोखा से? अच्छा, नोखा से हो। यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? तो 6 महीने से आप कंटिन्यू, जब से आया तब से आप फ्रूट बियर। कितनी टेस्टी लगती है। थैंक यू भैया।